और अब जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, शायद इससे पहले ऐसी तस्वीर आपने ना देखी हो। जो लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी यूनिक लोकेशन है। ये दरगाह हज़रत शेख कलीमुल्ला जहानाबादी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की गुम्बद है। ये हज़रत का मज़ार मुबारक है और साथ में ही हज़रत के मज़ार मुबारक के राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की शाही मस्जिद यानी जिसको जहानुमा मस्जिद कहा जाता है, जो शाहजहाँ ने बनाई थी, वही मस्जिद आपको नज़र आएगी। और अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे दरगाह के लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ आपको लाल किले की फसीलें आपको नज़र आएंगी। आपको दिखाई दे रही हैं लाल किले की फसीलें। जो ख़ास बात है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लाल किला हो या दिल्ली की शाही जामा मस्जिद हो, ये हज़रत शेख कलीमुल्ला जहानाबादी चिश्ती निज़ामी नसीरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम ने बनाई थी। और उनके अलावा बहुत सारे उनके जो लोग थे साथ में, जो मज़दूर थे, उन तमाम लोगों ने ही ये दिल्ली की शाही जामा मस्जिद बनाई है। और ये दिल्ली का लाल किला और आगरे का ताजमहल ख़ास तौर से हज़रत शेख कलीमुल्ला जहानाबादी चिश्ती निज़ामी नसीरी रहमतुल्लाह अलैह के आबाओ अजदाद ने इसको बनाया है। ख़ास तौर से बल्ख के इलाकों से हज़रत शेख कलीमुल्ला के आबाओ अजदाद को शाहजहाँ ने बुलाया था इन इमारतों की तामीर के लिए, क्योंकि उस ज़माने में ये लोग मशहूर थे, शेख अहमद और शेख हामिद के नाम से मशहूर थे, सारी दुनिया में पहचाने जाते थे, इनकी इमारतें मशहूर हो रही थी। इसी वजह से शहनशाह शाहजहाँ ने 16वीं सदी ईस्वी में इन मस्जिद शाही जामा मस्जिद के लिए और आगरे के ताजमहल के लिए और दिल्ली के इस लाल किले की इमारत के लिए बुलवाया था हज़रत शेख कलीमुल्ला जहानाबादी चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम को। आज हम शेख कलीमुल्ला पर बात ना करके हज़रत के वालिद मोहतरम पर गुफ्तगू करते हैं। मुसलमानों का एक दौर उरूज का ऐसा भी गुजरा है इस मुल्क में कि जिधर देखो मुसलमानों की तरक्यात के जलवे नज़र आते थे। ये सारी की सारी इमारतें कि जिन पर आज रिसर्च खुद फख्र कर रही है, ये सारी की सारी इमारतें कि जिन पर टेक्निकल रिसर्च हो रही है, मगर उन इमारतों की जो खसूसियात है, उन इमारतों को कैसे बनाया गया है, उन इमारतों की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आज भी लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। जब बनाया गया था दुनिया का सबसे बड़ा मीनार और दुनिया की सबसे बड़ी इमारत जब बनाई गई बुर्ज खलीफा, उस बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए लोगों ने रिसर्च की कि ताजमहल में जो चीज़ें हैं हम उन तमाम चीज़ों को जो है बुर्ज खलीफा में अप्लाई करें, लेकिन वो उस तह तक ना पहुँच सके जो आज से 500 साल पहले ताजमहल में इस टेक्निक यूज़ की गई थी और जो तमाम चीज़ें उस ज़माने में यूज़ की गई थी। तो आप ज़रा सोचिए कि कैसे एडवांस इंजीनियर थे, कैसे एडवांस लोग थे कि उन्होंने आज से 500 साल पहले ऐसी ऐसी शानदार इमारतें दी हैं। ताजमहल को अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली आपको समझ में आएगा कि जिस इमारत से आप ताजमहल के अंदर जाते हैं वहाँ से आपको समझ में आएगा कि अगर खिड़की से अंदर की तरफ आप जाएँगे तो जितना ताजमहल के करीब होते जाएँगे उतना ही ताजमहल बड़ा होता जाएगा, जितना ताजमहल के करीब होते जाएँगे उतना ही ताजमहल छोटा होता जाएगा और जितना ताजमहल से दूर होते जाएँगे उतना ही ताजमहल बड़ा होता जाएगा। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है। जो ताजमहल के सामने ही दरवाज़ा है वहाँ से आप देखेंगे ताजमहल का तो भैया ये बात आपको समझ में आएगी। मीनारों को जब आप दूर से देखेंगे तो आँखों का कुछ शेप ऐसा होता है कि मीनारें आपको दोनों तरफ झुकी हुई दिखाई देंगी, लेकिन ताजमहल की मीनारें बिल्कुल सीधी हैं। ये भी एक टेक्निकल चीज़ है जो रिसर्च से ताल्लुक़ रखती है। आज भी दुनिया उस पर तहकीक कर रही है लेकिन आज भी उसकी जो जड़ है उस तक दुनिया नहीं पहुंच सकी है। तो ये कमाल अगर शाहजहां की बनवाई हुई इमारत ताजमहल को अता हुआ कि आज भी वो इमारत दुनिया की सबसे शानदार इमारत है और 7 अजूबों में शामिल है, तो ये हज़रत शेख कलीमुल्ला जहानाबादी चिश्ती निज़ामी नसीरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का कमाल है कि उन्होंने ऐसी इमारत दी है। क्योंकि शाहजहाँ ने ये कहा था कि ऐसी इमारत बनाइएगा कि उस इमारत को देखने के बाद में लोग फख्र करें, याद रखें कि हम कहीं गए थे और वो शानदार मिसाली इमारत हो। तो ऐसी मिसाली इमारत आज से 500 साल पहले बनाई गई कि उसकी नज़ीर पूरे हिंदुस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। दूसरा ताजमहल आप दुनिया में कहीं भी नहीं दिखा सकते हैं। वो टेक्निक जो ताजमहल में इस्तेमाल की गई है उस तरह की टेक्निक दुनिया की किसी इमारत में इस्तेमाल नहीं हो सकी, क्योंकि जो इल्म, जो नॉलेज, जो फलसफा शाहजहाँ हज़रत शेख कलीमुल्ला जहानाबादी के वालिद मोहतरम के पास था, दुनिया के किसी इंजीनियर के पास में वो फलसफा नहीं था। इसीलिए ऐसी इमारतें दी हैं कि उन इमारतों की नज़ीर, उन इमारतों का सानी जो है दुनिया में हमें कोई दूसरा नज़र नहीं आता है। आखिर मुसलमान ऐसा क्यों करते थे, तो मैं आपको ये फलसफा समझा देता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत का तज़किरा फरमाया है, जन्नत की पूरी इंजीनियरिंग बयान की है, जन्नत का पूरा नक्शा इस तरह से बयान किया गया कि जन्नत में नहरें हैं, जन्नत में बागात हैं, जन्नत में महलात हैं, जन्नत में अलग अलग तरह की
जो है सब्जे हैं, तो जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में अपनी जन्नत का नक्शा खींचा है, तो इन बादशाहों ने इमारतें इसलिए बनवाई और इन इंजीनियरों ने इमारतें इसलिए बनाई ताकि दुनिया देखे कि जब ज़मीन पर हुकूमत करने वाले बादशाह की बनाई हुई इमारतें और इन इंजीनियरों की बनाई हुई इमारतें जिनको खुदा ने पैदा किया है उनकी इमारतें इतनी शानदार हो सकती हैं, तो रब की बनाई हुई जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। तो सूफी की तबलीग का फलसफा अलग होता है, आलिम अपने ढंग से तबलीग करता है, लेकिन जो बादशाहों के तबलीग का अंदाज था, जो मुसलमानों के दौरे उरूज के ज़माने के इंजीनियरों की जो तबलीग का तरीका था, वो ये था कि ऐसी इमारतें बनाओ कि दुनिया उन इमारतों को देखे, दुनिया उन इमारतों को अपने जहन में तसव्वुर करे कि जब एक बादशाह और एक इंजीनियर की बनाई हुई इमारतें इतनी शानदार होंगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत कितनी खूबसूरत होगी, ताकि बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत के लिए जो तज़किरा अल्लाह ने कुरान मजीद में किया, उस जन्नत को जहन में रख करके अपने रब की बारगाह में सजदे करे। क्योंकि दुनिया आज भी ये कहती है कि या इंसान किसी लालच में कोई काम करता है या डर करके कोई काम करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनीन के लिए जन्नत का इंतज़ाम इसलिए किया ताकि मोमिनीन को पता चले कि अगर वो रब के रास्ते को पकड़ेंगे और दुनिया में मुश्किलात को झेलेंगे और दुनिया में तकलीफ़ों को झेलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में उनको जन्नत में महलात अता फरमाएगा। तो इंसानों का जहन उन इमारतों से अल्लाह की बनाई हुई जन्नत की तरफ जाए, इसलिए मुस्लिम इंजीनियरों ने इतनी शानदार इमारतों को बनाने का इंतज़ाम किया और दिल्ली की शाही जामा मस्जिद बनाई। हज़रत शेख कलीमुल्लाह के वालिद मोहतरम ने तकरीबन 6 साल का अर्सा लगा दिल्ली की शाही जामा मस्जिद को बनाने में, और लाल किले को बनाने में भी तकरीबन 15 से 20 साल का अर्सा लगा है, और इन दोनों इमारतों को बनाया और आगरे का ताजमहल बनाया और इसी जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद आप इस तरफ देख रहे हैं, ये है जामा मस्जिद और ये है लाल किला सामने। तो हज़रत शेख कलीमुल्लाह जहानबादी रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद को जब बुलाया गया था तो इसी जगह पर हज़रत को एक शाही हवेली दी गई थी और यहीं पर हज़रत शेख कलीमुल्लाह की पैदाइश हुई थी और यहीं से वो सारे के सारे इंतजामात और यहीं से वो सारे के सारे नक्शे तैयार किए जाते थे जो लाल किले की इमारत में बनाए जाने हैं या फिर दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में बनाए जाने हैं। हज़रत शेख कलीमुल्लाह के जो वालिद मोहतरम हैं उनका मज़ार मुबारक भी यहीं है, वो अक्सर बंद होता है, जुमेरात में खुलता है। हम इंशाल्लाह किसी दिन दुनिया के सबसे शानदार इंजीनियर की भी आपको उनके कब्र की भी ज़ियारत कराएंगे और ये बताएंगे कि ताजमहल और लाल किला और जामा मस्जिद किस शानदार इंजीनियर ने बनाई है, उनकी कब्र की भी हम आपको ज़ियारत कराएंगे। फ़िलहाल हज़रत शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी, जो अपने वक्त के बहुत बड़े सूफ़ी और सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया नसीरिया के जो मुजद्दिद हैं, उनका मज़ार मुबारक आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। लोकेशन आप देख लें, ये सामने शाही जामा मस्जिद है और ये दिल्ली का लाल किला है, और इन दोनों शानदार खूबसूरत और तारीखी इस्लामिक आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामिक आर्किटेक्चर का शानदार नमूना इन दोनों इमारतों के बीच में हज़रत शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। बहुत शुक्रिया। हम सीखें अपने मुसलमानों से, हम सीखें अपने आबा अजदाद से, हम सीखें अपने पुरखों से, हम सीखें अपने पूर्वजों से कि जो देने वाले थे तो लोग उनको सम्मान करते थे, उनकी इज्जतें करते थे, उनका एहतराम करते थे, उनको सर पर बैठाते थे, क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। तो अगर आप इमारतें देने वाले होते हैं, अगर आप रोज़गार देने वाले होते हैं, अगर आप बेसहारों को सहारा देने वाले होते हैं, अगर आप कमज़ोरों को दस्ते शफकत फेरने वाले होते हैं, अगर आप नादारों का ख्याल रखने वाले होते हैं, तो जो देने वाला होता है वो हमेशा बुलंद होता है। वो बुलंद इस वजह से थे क्योंकि वो ऐसी शानदार और तारीखी इमारतें दे रहे थे, यानी कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, कोऑपरेशन कर रहे थे। जो देना बंद करता है वो जलील हो जाता है और जो देता रहता है हमेशा वो सर बुलंद रहता है। इसलिए हम सोचें कि हमने कैसा शानदार उरूज का ज़माना इस मुल्क में गुजारा है और आज भी सवेरा हो सकता है अगर हम अपने माजी की तरफ लौट करके अपने आज को और आने वाले कल को बेहतर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।